उनके रुखसार पे कुछ ऐसा नमक होता है, उनको देखूं तो मुझे चांद पे शक होता है। ऐसी लाइनें लिखने वाले जावेद अर्शी आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं न्यूज मेकर्स पे, जिसमें आप सभी का स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जावेद अर्शी साहब। आदाब आदाब जावेद अर्शी का आदाब। आप इंदौर के मशहूर शायर हैं, देश भर में नाम कमाया है, दुनिया भर में जाके मुशायरा पढ़ते हैं, लेकिन अभी अभी विशाल भारद्वाज की आने वाली फिल्म में आपने साइन की है डेयर इश्किया, इश्किया का जो की जो अगली कड़ी है, तो कैसे आप ये शायरी करते करते फिल्मों में चले गए, वो भी एक्टिंग करने के लिए? साहब जितने हैरे ज्यादा आप हैं उससे ज्यादा मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने आज तक कभी ये तो नहीं सोचा था कि मैं फिल्मों में एक्टिंग करूँगा। हाँ ये जरूर सोचा था कि एक शायर होने के नाते मैं गज़ल लिखूँगा, गीत लिखूँगा, लेकिन जिस तरह से एक नेमत किसी की झोली में आकर गिर जाती है, इसी तरह से मुझे एक कॉल आया विशाल जी की तरफ से कि भाई आप हमारी फिल्म करेंगे, तो पहले तो मैं समझा कि मजाक है, कोई मजाक कर रहा है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि भाई आप अपना ईमेल एड्रेस दीजिए, ईमेल एड्रेस दे दिया मैंने, फिर नेक्स्ट डे उन्होंने टिकट लखनऊ का भेज दिया। लखनऊ पहुंचा तो एयरपोर्ट पर शिमारू इंटरनेशनल, ऐसा लगा हुआ कि आप शायद लिखने के लिए आपको बुलाया गया? नहीं, मुझसे फिल्मों की बात की गई, आप हमारी फिल्म में एक्टिंग करेंगे। अच्छा जी, और मतलब फोन पर ही ये बता दिया गया कि आपको एज एन एक्टर आपको बुलाया जा रहा है। तो वहां गया, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और नेक्स्ट डे शूटिंग शुरू हो गई। लखनऊ में 22 दिन का शेड्यूल था, लखनऊ से 22-24 किलोमीटर एक महल है, वहां पर ही पूरी शूटिंग हुई डेढ़ इश्किया। ये आपके सह कलाकार इसमें? इसमें साहब नसीरुद्दीन शाह साहब हैं, माधुरी दीक्षित जी हैं, अरशद वारसी हैं, विजय राज हैं, हुमा कुरैशी हैं, और इसके गीत जो हैं गुलजार ने लिखे हैं, और ये फिल्म जो है शायरी पर बेस है। आप शायरी करते हैं पेशे से, आप प्रॉपर्टी का काम, बिल्डर का काम करते हैं, शायरी करते हैं, हिंदी में एमए आपने किया है साहित्य में, और काम मिला आपको एक्टिंग का, वो भी जाके इस उम्र में। एक शेर आपका मुझे याद आता है, आंखों से तूफान उठाया जा सकता है, चुप रह कर भी शोर मचाया जा सकता है, हम जिससे मिलते हैं वैसे हो जाते हैं, पानी में हर रंग मिलाया जा सकता है। जी जी जी। तो आपने मिलावट का काम कर दिया? नहीं साहब, ये तो क्या है कि आदमी जिस जिस कैटेगरी का, मिसाल के तौर पर आप ही हैं, आप किस लेवल के हैं। अब मैं एक छोटा अपना सा तालिब इल्म मतलब का, अभी मेरी आपकी आधे घंटे पहले मुलाकात हुई, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं कि मैं आपसे आधे घंटे पहले मिला, ऐसा लगता है सालों से हमारी मुलाकात है। तो एक बड़े आदमी की जो पहचान है कि वो एक कतरे को अपने अंदर समो ले, इसी तरह से मैंने ये शेर सोच का कहा। शेर मेरा है, लफ्ज मेरे हैं, लेकिन कैरेक्टर आपका है कि हम जिससे मिलते हैं वैसे हो जाते हैं, पानी में हर रंग मिलाया जा सकता है। ये बताइए साहब, आपको चुना कैसे विशाल भारद्वाज को, कैसे आपकी याद आ गई कि ये जावेद अर्शी साहब है इंदौर में, इनका ईमेल मंगवाया जाए, इनसे फिल्मों में काम कराया जाए, ऐसा क्या आपने देखिए आपके पर आपने उपाय? उन्होंने नहीं, मैं तो एक छोटा सा अदब का अदना सा तालिब इल्म हूँ, और इस जब ये पिक्चर अनाउंस हुई उसके बाद बाकायदा लखनऊ में ऑडिशंस हुए, जिसमें हिंदुस्तान के तमाम छोटे बड़े शोरा ने पार्टिसिपेट किया उस ऑडिशंस में। मुझे इल्म नहीं, मैं अपनी दुनिया में रहने वाला आदमी हूँ, क्योंकि एक दुनिया अंदर आबाद है मेरे, तो मुझे कुछ इल्म नहीं। अचानक उनको यूट्यूब पर देखा उन्होंने, यूट्यूब से उनको कुछ पसंद आया, जो भी मैं करता हूँ उठपटंग उनको पसंद आया, और उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन जो है यूट्यूब से के माध्यम से, मतलब यूट्यूब पे जो आपके शायर हैं वो लोग न केवल आपकी शायरी देखने के लिए यूट्यूब देखते हैं, बल्कि इसलिए भी देखते हैं कहीं आपकी और प्रतिभा का इस्तेमाल न किया जाए। नहीं साहब ऐसा नहीं है। हमने सुना है कि पहला शॉट आपका जो हुआ एक्टिंग की दुनिया में वो नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकार के साथ, पहले ही शॉट साहब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद नेक्स्ट डे महल में गए, तो पहला ही शॉट नसीर साहब, न सिर्फ नसीर साहब बल्कि उसमें माधुरी जी भी थे, मुशायरा शूट किया गया, मुशायरे में माधुरी जी आके शमा जलाती हैं, उसके बाद बाकायदा मुशायरा शुरू होता है, बेगम साहिबा सामने मुशायरा सुनती हैं,
दाद देती है, सभी शोरा अपना कलाम पढ़ रहे हैं और ऑडियंस 400-500 का ऑडियंस मौजूद सामने। इसमें क्या आप, ये आपके एग्रीमेंट में होगा निश्चित ही कि आप फिल्म के बारे में कोई बात शेयर नहीं करेंगे? नहीं, हाँ सर, एग्रीमेंट में तो ये रेस्ट्रिक्शंस है कि आप फिल्म के ना तो स्टोरी बताएंगे ना कोई शॉट के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन सर, अगर किसी पत्रकार के सामने अगर कोई भोला भाला आदमी आ जाए तो वो तो सब कबूल वाले था। नहीं, आप बिल्कुल मत बताइए। इस फिल्म में आप क्या शायर हैं, माधुरी के प्रेमी हैं, नसीरुद्दीन शाह के दोस्त हैं, क्या है ये फिल्म, कैसी है ये? इश्किया का अगली कड़ी है, लेकिन इसमें एक्शन फिल्म है, ड्रामा फिल्म है, कॉमेडी फिल्म है, कैसी फिल्म है? नहीं साहब, ये जो है मतलब बेस जो है उसका शायरी है जी। मैं पूरी स्टोरी तो नहीं बता पाऊंगा ना उसका एंड बता पाऊंगा। एक थोड़ी सी आउटलाइन आपको बता दूं कि एक नवाब साहब रहते हैं जिनकी मिसेज रहती हैं माधुरी दीक्षित जी जी। वो जवानी में उनका इंतकाल हो जाता है और वो मरते वक्त ये वसीयत कर जाते हैं माधुरी जी को कि आप फ्यूचर में कभी कोई शादी करेंगे तो किसी शायर से करेंगे। अब वो शायरों में नसीर साहब भी भेष बदल कर शायर बने हुए हैं, विजय राज भी बने हुए हैं, हम भी बने हुए हैं, मंदर भोपाली भी बने हुए हैं। तो ये है इसका पूरा। अरशद वारसी भी बने, अरशद वारसी भी है, मंदर भोपाली साहब भी हैं, मंदर साहब भी है। तो आप लोगों की तो शेर व शायरी की महफिल जम जाती होगी? महफिल जमती है बाकायदा। हम तो जब भी न सिर्फ सेट पर, यूं भी हिंदुस्तान में जहाँ भी मुलाकातें होती है तो शेर, एक शायर जब किसी शायर से मिलता है तो जाहिर सी बात है शेर व शायरी पर बहस होती है, डिस्कशन होता है। हमने सुना है कि आप क्रिकेट भी खेलते थे? जी जी जी। और अंशुमन गायकवाड़ वगैरह वगैरह के साथ आपने क्रिकेट खेली है, तो कैसे, कब की बात है? साहब ये बात है 1970-71 की बात है। मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में रिप्रेजेंट किया, फर्स्ट स्टैंड बॉयज था, क्लाइव लाइट की टीम थी जिसमें संदीप पाटिल बाहर हुए थे। अच्छा। जिसमें अंशुमन गायकवाड़ थे, हरी गिडवानी थे, एक ओपनर मैं था उसमें, तो मुझे तो स्टैंड बाइज में रखा। लेकिन मैं इंदौर यूनिवर्सिटी का कप्तान भी रहा, मध्य प्रदेश का कप्तान रहा, सेंट्रल जोन का कप्तान रहा, कूच बिहार ट्रॉफी में अंडर-22 में भी रहा और हिंदुस्तान के लीडिंग टूर्नामेंट्स मैंने खेले हैं साहब, जैसे शीश महल, नवाब पटौदी मेमोरियल वगैरह वगैरह। तो क्रिकेट क्यों छोड़ दिया आपने, शायरी से मोहब्बत के कारण या? नहीं साहब, देखिए एक आदमी को अगर प्रॉपर वक्त में चांस नहीं दिया जाए तो वो डिसहार्टन हो जाता है, मायूस हो जाता है। ऐसा नहीं, मैं आई एम नॉट बोस्टिंग माई सेल्फ, ऐसा नहीं कि मैं क्रिकेट खराब खेलता था। आज जो क्रिकेट खेलते हैं आप किसी से भी हमारा नाम पूछिए तो वो ये कहेंगे कि टेक्निकली कितना परफेक्ट था मैं। लेकिन एक प्रॉपर टाइम पर चांस नहीं मिला, उससे दिल टूट गया। अच्छा, फिर क्या है, मेरे फादर भी शायर थे, अर्शी बुरहानपुरी के नाम से। बेसिकली आई बिलोंग्स टू अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद मेरा जो फादर और मेरे दादा थे बुरहानपुर आके बस गए, तो मेरे फादर भी एक अच्छे शायर थे और उनका तखल्लुस भी अर्शी बुरहानपुरी था, इसीलिए मैंने अपना नाम अर्शी, जावेद अर्शी रखा। तो एक अदबी महफिलें घर में होती रहती थी, शायरों का आना जाना था, अंदर एक चिंगारी मौजूद थी। फिर एक चिंगारी को किसी एक जर्ब की ज़रूरत थी। एक मरतबा मेरी वालदा जो है हज पर तशरीफ ले जा रही थी और मैंने अपनी किताब में भी लिखा है ये, वो हज पर ले जाते टाइम उन्होंने इस तरह से मुझसे माफ़ी मांगी कि बेटा मुझसे कोई गलती हो गई है तो माफ़ कर दो। तो वो मेरे दिल पर ऐसे ऐसी क्लिक की वो बात कि मैं 2 घंटे तक ज़ारो कतार एयरपोर्ट पर बैठा रोता रहा कि जो काम मुझे करना चाहिए था, मुझे मेरी वालदा से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, मेरी वालदा ने मुझसे माफ़ी मांगी। वो साहब उसके बाद फिर उल्टा हज पे जाने पे ऐसे कोई नियम है क्या कि जाने वाला व्यक्ति? हाँ साहब, मतलब हमारे वहाँ ये है कि जाने वाला ये सोचता है कि वहाँ से वापस ही नहीं आए तो अच्छा, ऐसा है कि सबसे अच्छी मौत मक्का शरीफ की मानी जाती है जी। और हर हाजी अगर जाता है तो माफ़ी मांग के जाता है, ये एक हज वालों का एक प्रोसीजर है हमारा जी। जैसे हिंदुओं में मान्यता है कि काशी में अगर मुक्ति होगी तो सीधे जी हाँ जी हाँ जी स्वर्ग में जगह मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्रिकेट खेलते रहे, घर में शायरी का माहौल था, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद कारोबार का ये किया और जा रहे हैं एक्टिंग की दुनिया में, तो बड़े चारों ही चार कोण हो गए, ये तो चतुर्भुज के चार कोण हो गई थी। हाँ साहब, बस ये है कि मैंने कोई सोच के नहीं किया, अपना आप ऐसा माहौल बनता चला गया। बेसिकली तो मैं क्रिकेटर था, बस उसके बाद माहौल बनता चला गया, फिर शायर हुआ, फिर पढ़ाई
पढ़ाई खत्म हुई तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ करना था। फिर अपना खुद का ही बिजनेस शुरू किया, पहले प्लॉट्स वगैरह ले लेके देता रहा, उसके बाद फिर छोटी मोटी बिल्डिंगे बनाता रहा, बस ऐसा चलता रहा। विरोधाभास इसलिए लगता है कि प्रॉपर्टी का काम, जमीन जायदाद, बिल्डर का काम वो होता है जिसमें दिल की जरूरत नहीं है। जी, वो शायरी के काम में दिल के बिना काम चलता नहीं है। जी, तो जो दिल आप धंधे में निकाल के रख देते हैं या धंधे के बाद वो दिल वापस पहन लेते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं साहब, मैं तो जिस फील्ड में मैं हूँ एक ही दिल लिया हुआ हूँ, और जिस पे आप मेरे साथियों से पूछी है वो भी ये कहते हैं कि ये अजीब किस्म का आदमी है। मतलब ये कि जो मिल गया बस उस पर ही खुश है। तो कहते हैं ना कि कंटेंटेड माइंड इज अ ग्रेट ब्लेसिंग, और किस्मत से मुझे वो ये मिला हुआ कि जो मिल गया बस उसी में खुश। पर जो बिजनेस में अगर आप संतुष्ट हो जाते तो आगे तो बढ़ ही नहीं सकते। नहीं साहब, ऐसा नहीं है, आगे बढ़ने की कोई इंतजार होती। देखिए, जिंदगी इंसान को एक बार मिलती है, हर आदमी का जिंदगी गुजारने का नजरिया अलग है। जिंदगी एक बार मिलती है, उसको आप रो के गुजार लीजिए, हंस के गुजार लीजिए, परेशानी में गुजार लीजिए, सुकून से गुजार लीजिए। ये तो अपनी अपनी मल्टीलिटी रहती है। अब एक आदमी को जरूरत ही नहीं है, भागे चले जा रहा पैसे के पीछे। आज एक कौ कमाए, कल दो की तरफ गया, परसों तीन। अरे भाई, जो है उसको खर्च कर ले आदमी, सुकून से खर्च कर ले। जो आज हमारा है वो कल लौट के नहीं आना है। आज जो लम्हा हमारा जा रहा है वो कल आप उसको ला ही नहीं सकते कभी भी। हाँ, आपकी बहुत मशहूर लाइन है, मैं वो सुनना चाहता हूँ। मेरी आंखों में ढूंढते हो क्या, खुद से मिलकर बिछुड़ गए हो क्या, उसके कुछ शेर सुनाई दीजिए। देखिए साहब, ये वो गजल है, ये वो खुशकिस्मत गजल है जिसको पाकिस्तान का सिंगर गुलाम अली साहब ने सिलेक्ट किया है। इसके मैं कुछ अशार आपको सुना देता हूँ। पूरी दुनिया में ये बदनाम है, मतलब मुलायदा फरमाए। कहता हूँ कि मेरी आंखों में ढूंढते हो क्या, मेरी आंखों में ढूंढते हो क्या, खुद से मिलकर बिछड़ गए हो क्या, खुद से मिलकर बिछड़ गए हो क्या, किस कदर एतमाद है खुद पर, किस कदर एतमाद है खुद पर, रोज आई ना देखते हो क्या, खुद पर यकीन कितना आ रहा है, एतमाद यानी यकीन, किस कदर एतमाद है खुद पर, रोज आई ना देखते हो क्या, आज आंखें धुली धुली सी हैं, आज आंखें धुली धुली, आज आंखें धुली धुली सी हैं, आज जी भर के रो लिए हो क्या, आज आंखें धुली धुली सी हैं, आज जी भर के रो लिए हो क्या, तुम भी मोहतात हो मेरे जैसे, मोहतात बमानी एहतियात करने वाला, तुम भी मोहतात हो मेरे जैसे, तुम भी कुछ दूध के जले हो क्या, तुम भी मोहतात हो मेरे जैसे, तुम भी कुछ दूध के जले हो क्या। और ये शेर में मुलायदा फरमा लें कि मैं तो हूँ खैर अजनबी, लेकिन मैं तो हूँ खैर अजनबी, लेकिन तुम भी इस शहर में नए हो क्या, मैं तो हूँ खैर अजनबी, लेकिन तुम भी इस शहर में नए हो क्या, ये लतीफे ये कह कहे अर्शी, ये लतीफे ये कह कहे अर्शी, अपने गम को छुपा रहे हो क्या, आज आंखें धुली धुली सी हैं, आज जी भर के रो लिए हो क्या। अद्भुत। ये बताइए सर, आपने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा है, आप फिल्म की कहानी के बारे में कुछ बातें शेयर नहीं कर सकते क्योंकि कुछ कानूनी बंधन है, बंद है। विशाल भारद्वाज के साथ, उनकी टीम के साथ काम करके कैसा लगा? एक शायर को अगर एक्टिंग की दुनिया में झोंक दिया जाए तो कैसा उसे महसूस होता है? अच्छा लगता है, बुरा लगता है, मशीनी काम लगता है, कैसा लगता है? नहीं साहब, हमारे मिजाज से वो फील्ड मैच करती नहीं है, लेकिन हमें इसलिए अटपटा नहीं लगा कि हम तो 50,000 ऑडियंस के उसमें मुशायरे पड़े हुए हैं, तो कैमरे को हम फेस करना सालों से कर रहे हैं, हमें अटपटा इसलिए नहीं लगा जी। लेकिन वो जो टेक और रीटेक और एक एक चीज को 15-15, 20-20 बार करना, वो हमारे लिए अटपटा था। लेकिन ये जितने बड़े आर्टिस्ट हैं, जैसे मैंने आपको आर्टिस्टों के नाम लिए, माधुरी जी, नसीर साहब, ये इतने कोऑपरेटिव हैं, ये न सिर्फ बड़े एक्टर हैं लेकिन ये बड़े लोग भी हैं। बड़े लोग इस सेंस में कि अपने जूनियर्स न्यू कमर्स को ये एहसास नहीं होने देते हैं कि आप नए हो इस फील्ड में। मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं इसी फिल्म का। एक शॉट में
नसीर साहब भी मौजूद थे, बीच में विजय विलन जो है विजयराज साहब जाते हैं, तो मुझे उनको हकारत से देखना था और मैंने इग्नोर कर दिया, एक्टिंग में मैं माहिर नहीं हूँ, इग्नोर कर दिया। तो अभिषेक दुबे डायरेक्टर मेरे पास आए, मुझे समझाने लगे। जब वो समझाने लगे तो नसीर साहब खुद आ गए मेरे पास कि भाई अर्शी साहब आप इनको इग्नोर मत कीजिए, आप इनको हकारत से देखिए। तो एक सीनियर एक्टर एक जूनियर एक्टर के पास आकर ये कहे तो उसका उसका हौसला तो यूं साथ में आसमान पे चले जाता है। फिर वो शॉट मैंने इतना अच्छी तरह से दिया कि क्लब ही नहीं। हकारत से कैसे देखते किसी को? हकारत मतलब एक शॉट ही था वो। हाँ हाँ। कि किसी को नफरत से देखना, हकारत या नफरत से कि ये भला कहां से आ गई, ये तुच्छ, हाँ ये कहां से आ गई, ये मतलब इसको आना नहीं चाहिए था। वो शॉट था वो, और शानदार शॉट, बहुत शानदार शॉट से जो आपने एक टेक में भी कोई शॉट दिए हो गए ओके हुए एक टेक में भी हुए साहब। शुरू शुरू में बहुत अच्छे अच्छे शॉट भी हुए, पहला शॉट भी एक ही उसमें जी हाँ एक मौको, क्योंकि उसमें हमें गजल पढ़ना थे माधव जी ऑडियंस नसीर साहब हमारे बरसों से कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। वो हमें एक रवानी में तसलसल में पढ़ते चले गए जैसे हम मुशायरों में पढ़ते हैं। वो सबसे कठिन शॉट कौन से रहे? अरे सबसे कठिन शॉट तो साहब ये है कि वो फिर वो मैं डिटेल आप स्टोरी पत्रकार है आपको बुलवा रहे हैं, तो वो ये है कि एक चीज को बार बार करना यार एक के बस का नहीं। फिल्म वाले तो क्या है पूरे उसमें रमे हुए हैं, डेडिकेटेड है, उनको मालूम है। अभी हम ये चल रहे हैं 20 स्टेप से ऊपर आ रहे हैं, एक स्टेप गलत हो गया, फिर वो डायरेक्टर की आवाज थी कट, फिर रिटेक, फिर वो स्टेप नीचे उतर रहे हैं, फिर ऊपर चढ़ रहे हैं, तो वो उसमें कोफ्त होता है। अगर कोई चीज रूटीन हो जाए तो फिर आप उसमें दिल नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं लगता आपको? अगर 20 टेक रीटेक देने हैं आपको एक शॉट के, तो फिर वो मशीनी भाव आ जाता चेहरे पे, ऐसा नहीं होता? वो तो साहब क्या है कि एक एनर्जी आवाज लगती रहती है, एनर्जी लाइए। अच्छा फिर क्या है कि आप अकेले तो डायलॉग बोल ले रहे हैं, आपके साथी हुए हैं वो इनकरेज करते हैं, इधर से आवाज आती है डायरेक्टर की, उधर से आवाज आती है कैमरा मैन की एनर्जी, तो आदमी को लामहाला कोशिश करना ही पड़ती है कि भाई करते चले जाइए। लेकिन वो हमारे लिए उलझन का काम है, हम जैसे मैं, क्योंकि हम सुकून से रहने वाले लोग हैं। शायरी एक दुनिया तो अलग चल रही है ऊपर, एक अंदर दुनिया हमारे अंदर। एक्टिंग कर रहे हैं आप किसी दूसरी फिल्म में? जी हाँ, मुझे एक सीरियल और मिला है अपना, 200 एपिसोड का है वो, पायल नाम है उसका, लेकिन मैं उसको अभी हाँ इसलिए नहीं कर पाया हूँ साहब के फिल्म जो है फिल्म लाइन फुल टाइम जॉब है, और शायरी उसके बीच कैसे मैं तालमेल बिठा पाता हूँ ये मैं अभी तय नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मैंने उनको हाँ नहीं की अभी तक। आगे एक्टिंग करने का इरादा है क्या? जरूर करेंगे साहब बिल्कुल, अगर कोई नहीं करेंगे कि सीरियल भी करेंगे जो जिसमें मिल जाए साहब बिल्कुल करेंगे, कोशिश है कि अपने टैलेंट को बाहर निकाला जाए, अपना आप को मनवाया जाए, हर आदमी ये चाहता है, हर फनकार ये चाहता है, और बाकी फिर ऊपर वाले की मर्जी और बुजुर्गों की दुआएं कहां ले जाती है। ये कब तक ये फिल्म डेढ़ इश्किया आने की संभावना है? ये सब दिसंबर में रिलीज हो और आपको क्या लगता है डेढ़ इश्किया आने के बाद आप कहां होंगे? साहब मैंने जो सेट पर महसूस किया और मैंने उन लोगों से कहा भी, ना इतना माइनूटली करना, तो साहब ऊपर वाला तो मेहनत देखता है आप मेहनत कर रहे हैं, वो बिल्कुल अनथक किए चले जाते हैं। जो मेहनत किए जा रहे हैं तो मैंने ये महसूस किया और उनसे कहा भी, मैंने अभिषेक दुबे से भी कहा, हनी सिंह से भी कहा कि यार इतना डेडिकेशन है तो आप जरूर फिल्म कामयाब होगी साहब, आप देखिएगा। जावेद अर्शी साहब आप हमारे आगरा पर हमारे स्टूडियो पधारे, हमसे बातचीत की, अपने विचार हमसे शेयर किए, आपकी आने वाली फिल्म बहुत कामयाब हो, मंच पर तो आप कामयाब ही, देश दुनिया में आप छाए रहें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप हमारा ये कार्यक्रम यूट्यूब पर जाकर भी देख सकते हैं, यूट्यूब का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। आज इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।